मेरे को पहले से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था. जो भी मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था उसमें एक चीज वॉज वेरी क्लियर कि इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव. उसके लिए अभी एडवांस या बिगिनर के लिए कोई टेक ही नहीं है. एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड स्टैमिना ओनली. तो रिफ्लेक्स और एजिलिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा था. तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर पाए स्पोर्ट्स में, उधर से आइडिया स्टार्ट हुआ था. हमने जब स्टार्ट किया प्रोडक्ट बिल्डअप करना, तब मैं और इताद थे दोनों एज ए टीम मेंबर ऑफ हाइपरलैब. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस थे हमारे पास जो सॉल्व करना था. तो हिताद के पास एक छोटा सा प्रोटोटाइप था विच वॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल. मैंने फर्स्ट डे पे आके मैंने स्टार्ट किया कि इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाते हैं क्योंकि उससे हम ज़्यादा यूज़र रीच कर पाएंगे. हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया हमारा जो पीवीसी पाइप से बना था और जिसके बहुत सारे वायर्स झूल रहे थे. जब मैंने दूसरे एथलीट और स्टूडेंट्स को उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हुए देखा तब मेरे को लगा कि हाँ भाई इसका प्रोडक्ट का रेलेवेंट है. हमारा जो डिवाइस है वो एथलीट को पैरामीटर्स देता है जिसपे एथलीट्स खुद को देख सके कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, मेरा कितना रिफ्लेक्स है. हम डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं जिससे वो खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देख पाए. मेसी और रोनाल्डो के पास टेक है अपना खुद का, पर वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल नहीं है. हमें वो टेक इतना जनरल और कॉमन बना देना है कि हर एक बच्चे के पास या हर एक इंसान जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास वो डिवाइस हो. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम हितार्थ परिक है. मेरा नाम चाहिल पटेल है. और मेरा नाम हर्षित मालीवाल है और हम अहमदाबाद से हैं. हमारी आस्क है 10 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनीज इक्विटी. वाओ, ओके, ठीक है. शार्क्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस तीन चीजों का मिश्रण होता है. स्टैमिना यानी आंतरिक बल, एजिलिटी यानी स्फूर्ति और रिफ्लेक्स यानी मेरा रिएक्ट करने का टाइम. आज अगर मैं मार्केट देख रहा हूँ तो पूरा मार्केट स्टैमिना के प्रोडक्ट से फ्लडेड है, ट्रेडमिल से लेके रिकमेंड साइकिल से लेके वेट्स तक. बट अगर हम रिफ्लेक्स और एजिलिटी का देखें तो उधर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ही नहीं. एंड यही मार्केट गैप को वैलिडेट करने के लिए और एक एथलीट को कंप्लीट सोल्यूशन देने के लिए हमने स्टार्ट किया था हाइपरलैब. हाइपरलैब एक स्पोर्ट टेक ब्रांड है जो डिजिटाइज्ड है, मींस वो कंबाइन करता है फिजिकल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ. और ये हमने अचीव किया है हमारे प्रोडक्ट हेलियोस से. तो हेलियोस प्लैनेट का सबसे पहला लेजर असिस्टिव ट्रेनिंग डिवाइस है जो अपने यूजर्स को ट्रेन भी करता है और उनको ट्रैक भी करता है. हेलियोस कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी फिटनेस वर्कआउट के साथ चल सकता है, चाहे वो फुटबॉल में मेरा टैकल करना हो या फिर कबड्डी जो बहुत एजाइल स्पोर्ट्स है उसमें मेरा रेड करना हो, या फिर कोई जिम लवर के लिए मेरे को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना हो. हेलियोस को बनाने में हमें 2 साल की कड़ी मेहनत, 600 से ज्यादा प्रोटोटाइप्स और 100 से ज्यादा यूजर टेस्टिंग लगे हैं. तो चलिए शार्क्स, मैं आपको हेलियोस का एक डेमो दे देता हूँ. ये डिवाइस है, ये पोर्टेबल और मोबाइल डिवाइस है. इसे कोई भी प्लेन सरफेस पे रख सकते हैं. ये पूरा डिवाइस एक ब्लूटूथ वाया मेरे एप्लीकेशन से कनेक्टेड है. ओके. इसके ऊपर एक बटन है, ये ब्लिंक करना चालू कर देता है, मतलब मैं अब ड्रिल स्टार्ट कर सकता हूँ. So I have to long press on that blinking inviting light. जैसे ही मैं long press करता हूँ, it starts. वो पहला point है. जैसे ही मैं इधर पहुँचा, it goes to the second point. इसको exactly पता है कि ये कितने distance पे इसने project किया है, कौन सी direction में ये project कर रहा है. और thirdly कि मेरा exact time of tapping that point क्या है. जैसे ही उसको ये 3 data मिलते हैं ना, उसके बाद वो फुल अपना एनालिसिस लगा के मेरा स्टैमिना, मेरा एजिलिटी, मेरा रिफ्लेक्स, मेरा डायरेक्शनल एनालिसिस, कंसिस्टेंसी सब बता दे. मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप स्पोर्ट्स या हेल्थ टेक में हो और आप तीनों मतलब लग नहीं रहे हो मुझे कि रोज एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व. प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं. क्या उम्र क्या है आपकी? 22. और 22 साल में मतलब आउट, क्या बात है यार, आधा घंटा वर्कआउट भी नहीं लगता है. सिर्फ एक चीज ऐसी थी कि बोल दूं. बोलना यार, बोलने तो आया. जो ऐसे बेस्ट जो अपना सलोन वाला है वो भी गंजा होता है. हाँ, गंजा है मतलब.
तो सर इसलिए 2 साल लगे पर अब इतना फाड़ेंगे ना हम लोग सच्ची। ओके फिनिश योर डेमो। आज बैडमिंटन के एरिया में डेमो देंगे तो सारी ड्रिल्स जो बनाई हुई है वो बैडमिंटन के लिए बनाई हुई है। फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल निहाल ऑन स्टेज जो गुजरात को रिप्रेजेंट करता है। और वेरी नाइस। हाय शार्क्स। हेलो। हेलो। हाय निहाल। वेलकम टू शार्क टैंक ब्रो। थैंक यू। तो शार्क्स हम पहला मोड दिखा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पॉइंट बेस्ड मोड। तो जैसे ही निहाल पॉइंट रखता है उसके नेक्स्ट पॉइंट पे वो चला जाता है, थर्ड पॉइंट पे चला जाता है, फोर्थ पॉइंट। ये सारा एनालिसिस उसको पता चल रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में कितनी स्पीड से कर रहा है। एंड ये लाइव आपको सिर्फ हमें एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहे बट इन डेप्थ देखना है ना, तो मेरे को जाना है अपने एनालिसिस में। वो मैं एथलीट में जाऊँगा, मैं निहाल को सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं टैप करूंगा तो वो मेरे को बोलेगा कि ये मैप था, तो वो अगर पीछे आते वक्त कम कर रहा है और आगे जाते वक्त ज़्यादा कर रहा है तो इट शोज कि उसकी फ्रंटल स्पीड ज़्यादा थी। इसको अभी और इन डेप्थ देखना है तो हम जाएंगे ग्राफ्स में, एवरेज स्पीड से कितना डेविएट हुआ वो दिख जाता है। दूसरा मोड बेसिकली बफर मोड है जो हम रिफ्लेक्सेस के लिए बेसिकली करते हैं। बफर मोड में क्या होता है कि वो हर बार मेरे को 3 सेकंड का बफर पीरियड देता है सेंटर में। हर बार मैं सेंटर में आता हूँ और बाद में वो रैंडमली, मतलब डिवाइस को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, हमारे एप्लीकेशन को भी नहीं पता कि वो कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में पूरा जो उसका एनालिसिस है कि वो कौन सी डायरेक्शन में अच्छा कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में बेकार कर रहा है, वो सब आ जाता है इसमें। थैंक यू सो मच निहाल फॉर डेमोंस्ट्रेटिंग टू ऑफ द मोड्स। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू। जाने के पहले ये बताओ, आप जब कोचिंग लेते हो प्रोफेशनली, आप ऐसी ड्रिल्स करते हो बिफोर गेम? यस सर, ऑफ कोर्स। आप कैसे जानते हो इनको? दे हैव कम इन आवर एकेडमी फर्स्ट, प्रोडक्ट बताई, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी ट्राई किया एंड देन वी, हमको बहुत अच्छा लगा। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी एकेडमी? 20 to 25। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू। तो डेमो हो गया और एक लास्ट मोड है, वो किलर मोड है हमारे लिए। अच्छा किलर है तो बता दो। अमित, हमने आपको इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव देखा है स्पोर्ट्स और फिटनेस में, तो आप क्या वो ट्राई करना चाहोगे? आओ करते हैं। डोंट फील ऑफेंडेड। यारो क्या बोले? किलर मोड बेसिकली ये है कि वो आपको लर्न करता है, तो वो पहला जो आपको ड्रिल करना है ना वो बेस स्पीड पे करना है। अब हर बार वो नेक्स्ट टाइम आप करोगे ना उससे एक लेवल ऊपर ले जाएगा उसको, और आपका देखेगा कि कौन से इंटेंसिटी के बाद आप ड्रॉप होते हो। इनको खेल तो नहीं कर दोगे ना? मतलब आपने बोला ना किलर प्रोडक्ट, नहीं नहीं, खेल का एकदम हाई इंटेंसिटी से शुरू करना। नहीं तो ये लर्न कर रहा है मेरी इंटेंसिटी से। नहीं नहीं यार, आप जानते नहीं हो, वो सॉलिड आदमी है, आप शुरू तो कर दीजिए। ठीक है सर। ओके इट्स ब्लिंकिंग, आर यू रेडी? आपको विजुअल फीडबैक दे रहा है कि आप कैसे वो पॉइंट पे जाना है। कबड़ी 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 कबड़ी। इसको ऑन रखो 10 मिनट। तो ये आपका पहला बेस स्पीड था, अभी आपको ये थोड़ा अपग्रेड करेगा। ब्रीद ब्रीद अमित ब्रीद। मेरा पहला स्लो करना चाहिए था। टाइमर बढ़ा दे। टाइमर खुद बढ़ जाएगा। ये आपने कर दिया है, दोनों कर दिए। Well done, well done. Good sport. Good, 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 good. I hope you're speechless and won't ask questions. भाई यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा आज। Have to catch my breath for sure. Please. नहीं मशीन यहाँ दे दो ना, हम देख लेंगे। मशीन दे दीजिए। मैं तीनों मशीन्स दे देता हूँ और ये पूरा प्रोडक्ट इतना ही है। ये सिर्फ एक स्टैंड है। ओके। मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ। ओके ओके दैट्स सही। दिस इज द वाइट। ओके थैंक यू। एंड यू कैन डू दिस वॉल पे भी हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ इसको कहीं भी लगा सकते। वो उसका अंदर का मैकेनिज्म है। वी हैव पेटेंटेड इट इन इंडिया एंड इन यूएस बोथ। पेटेंट मिल गया? मिल गया।
शख्स मेरा इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में था, थर्ड ईयर हमारा इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो मैं स्टूडियो कार्बन करके एक जगह इंटर्नशिप करने गया और उधर मैंने ये आइडिया दिया। ये आइडिया बेसिकली आया था मेरे को इस चीज से कि एक कैट थी हमने सोचा कैट इतना क्यूरियस एनिमल है तो हम भी तो क्यूरियस है ना, तो फिर हम उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, और तब से ये आइडिया आया। उसके बाद मैंने पहला प्रोटोटाइप बनाना ट्राई किया मेरे खुद से, पर वो नहीं हो रहा था, इसलिए आई कनेक्टेड टू चाहिल। कैसे, कहाँ था चाहिल? मैंने पहले भी एक प्रोडक्ट बनाने का ट्राई किया था जो एक कोई भी फॉसेट को ऑटोमेटिक फॉसेट बना देता है, तो पानी बहुत सारा बच सकता है। यू आर एन इन्वेंटर। पर उसमें एक चीज मिसिंग है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने इसको कनेक्ट किया था, पर इसने तब सीधा मुंह पे ना बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसके पास बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आते थे और ये स्टार था। अच्छा, तो सेकेंड जब चालू किया तब स्टूडियो कार्बन का बैकिंग और चाहिल की इंटर्नशिप का टाइम दोनों मैच हो गए और मेरी भी इंटर्नशिप चल रही थी। मेरे को पहले से इंटरेस्ट था प्रोडक्ट डिजाइन में, मैंने आईटी किया है, पर आई आल्सो डू रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ हॉबी। तो फिर इसने मेरे को प्रोजेक्ट पूरा पिच किया एंड देन वी स्टार्टेड इट एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी आफ्टर दैट। आपकी उम्र कितनी है? 23। जैसे ही हमारा एक हार्डवेयर बन गया ना, हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर तो अब चाहिए और तोड़ू चाहिए, और इसलिए हमने हर्षित की कॉलेज में मेल डाला था। व्हिच कॉलेज? निर्मा यूनिवर्सिटी। अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? 22। यार फिर भी ये बात सोचना है, माय सिस्टर ना, उसके पास बिल्ली है तो मैं लेजर लेके बड़ा खेलता हूँ उसके साथ, वो झपटा मारती, लेकिन यार वहाँ से ये सोचना कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी ये करेंगे, बिल्ली बना देंगे, मतलब बिल्ली बना देंगे, इट्स क्वाइट एन इमेजिनेशन। वैलिडेट किया है कोचेस के साथ ये प्रोडक्ट? हम साई के साथ और स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, और उधर के स्टूडेंट्स डिवाइस पे PhD कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डिवाइस अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में है? सितंबर में ही इसको R&D फेज से बाहर निकले। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज टिल डिसंबर वी विल हैव मैन्युफैक्चरिंग सॉर्टेड और मार्च तक हमें लॉन्च करना। कितना प्राइस करेंगे इसे? इट इज 30,000 ओनली। आपका बायर इंडिविजुअल होगा कि एकेडमी होगा? जो जिम्स है जिसमें जुम्बा स्पेसेस होती है जिसमें ये डिवाइस डिप्लॉय हो सकता है उनके लिए वी आर सेलिंग इट, बट स्पोर्ट्स एकेडमी के पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते, और अगर हमें स्पोर्ट्स टेक फॉर ऑल करना है ना तो उनको रीच तो करना ही है, तो उधर हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया है विच इज बेसिकली 2,000 पर मंथ पर डिवाइस। बट ये मार्केट थोड़ी लिमिटेड होगी क्योंकि एडवांस लेवल पे ही लोग खेलेंगे। हिट वर्कआउट फिटनेस रेजिमेन, वो जिम्स में भी लगेगा, स्पोर्ट्स में भी लगेगा, वो अगर मैं चाहूँ तो रिहैब में भी लगेगा और फिजियोथेरेपी में भी लगेगा। अगर मेरा पैर मूव नहीं कर रहा है तो वो धीरे 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 मेरे को डॉट्स देके एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मार्केट पूरा इसकी एप्लीकेशन पे है, ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट बन गया। आपके पास पेटेंट किस चीज का था? पेटेंट इसका टेक पेटेंट है हमारे पास। आपने कितने पैसे डाले हैं ये सब करने में अभी तक? 45 लाख का ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से। ओके। यार ये गवर्नमेंट सबको ग्रांट देती है मेरे अलावा। एनीवे कंटिन्यू। और हमारे साथ नील मेहता करके जो स्टूडियो कार्बन का CEO था, इसने 50 लाख इन्वेस्ट किए। 50 लाख एट व्हाट वैल्यूएशन? 10%। कब किया ये? सितंबर 22। और पैसे खत्म अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी बैंक में 47 लाख है। और महीने का खर्चा कितना होगा? 4 लाख। और टीम कितनी बड़ी है? टीम 12 लोगों की। इक्विटी स्प्लिट क्या है? मेरा 70% है और इनका 2% एंड 1%। वाह, बहुत डिफरेंस है। बाकी 5% इज विद स्टूडियो कार्बन, 10% इज विद नील मेहता जिसने इनिशियल किए, 3% इज एडवाइजर में, एंड 10% इज ESOP। अच्छा, इसके बाद क्या करने का प्लान है? ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये स्केलेबल प्लेटफॉर्मेबल टेक्नोलॉजी है, तो अगर आज मेरे को साइना नेहवाल के साथ कम्पीट करना है ना, तो मेरे को बस उसकी एक वीडियो मेरे सॉफ्टवेयर में डालनी है और ये पूरा प्रोडक्ट उसको रेप्लिकेट करेगा कि वो कितने टाइम में कहाँ जाए, और स्पोर्ट्स टेक को हिलाना है। और भी है आपके पास आइडिया? और भी आइडियाज है। चल ठीक है, मैं ऑफर देता हूँ आपको। 22 साल में मुझे लाइफ में नहीं पता था मुझे करना क्या है, और आप लोग इतने सॉर्टेड लोगों को, तो 10 लाख रुपए 1% जितना आपने मांगा सेम। मैं आपको एक और ऑफर देती हूँ, 50 लाख रुपीज फॉर 5%, 20 लाख फॉर 1%, व्हाट व्हिच इज डबल देयर वैल्यूएशन। आई मैच नमिता का ऑफर एंड द अदर ऑफर यू हैव इज 50 लाख फॉर 5%।
बट आपने सुना है भगवान से जितना मांगो उतना मिल जाए, अच्छा है तो आपने 10 मांगे 1% पे दे दिए लोगों ने, और अब आप उससे ज्यादा क्यों मांग रहे हो? मैंने एक चीज और सुनी है कि भगवान मांगने से ज्यादा ही देखता है। छप्पड़ फाड़ गए। एक क्विक क्वेश्चन, आप मास मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? बिकॉज़ हमारे पैसे से तो आपका कुछ बनेगा नहीं। और रेस करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बॉस आपके पास है 40-45 लाख रुपीज अभी बैंक में, आप इतना टाइट चल रहे हो, बाय द वायर 4 लाख का बर्न है, मार्च तक आपके पैसे खत्म खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के पहले हमेशा आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ रनवे होना चाहिए टू रेज मनी, व्हिच इज व्हाई यू शुड रेज मोर, व्हिच इज व्हाई यू शुड नॉट डाइल्यूट मोर एट दिस एक्विटी। हम आपको मदद कर देंगे, वी विल कनेक्ट यू टू इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लान है, जैसे मार्च में तुम लॉन्च कर दोगे, क्या सोचा है, मतलब व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना है, बट ग्लोबली ज्यादा स्केल हो सकता है ये हमें लग रहा है। एब्सोल्युटली राइट, तो इंडिया तो रखना ही है बट ग्लोबल फुल मचाना है। कौन आप में सेल्स संभालने वाला है, मतलब आप तीनों या किसी और को लेके आओगे? किसी और को भी लाना पड़ेगा। देखो व्हाट टाइम लग रहा है, ऑफर्स जा सकती है, यहाँ ऑफर्स चले जाते हैं। आप प्रेशर में बताना, ऐसे ऑफर नहीं जा सकती। ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, या ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो आप में बिलीव करते हैं? आई थिंक यू नीड इन्वेस्टर्स हु कैन हेल्प यू। नेक्स्ट ईयर सेल्स कितना सोच रहे हो तुम लोग, कितना हो सकता है, कुछ सोचा है कभी? नेक्स्ट ईयर हमें 6 करोड़ का सेल करना है, 3000 प्रोडक्ट बेचने। मैन्युफैक्चरिंग इस कैपेसिटी की रेडी है या फिर अभी करनी है रेडी? इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज इट इज फुल रेडी। व्हाट वाइज इट इज नॉट रेडी? इंजेक्शन मोल्डिंग, वो हमारा अभी तक, मतलब तीनों स्टूडेंट्स है, अभी तक वो एक्सपर्टीज नहीं आई। इतनी जल्दी हमें बिजनेस समझ आ गया, इतना टाइम हो गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। आप और डिसीजन मेकर किन दोनों में से कोई है? हम तीनों करेंगे। सीईओ कौन है? सीईओ मैम। यार हितायत आप कैसे सीईओ, आपने जो मांगा था उसका 5 times मिल गया है सेम वैल्यूएशन पे, पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं आपको 20 मिनट दूंगी टू आंसर द क्वेश्चन, आप पहले ऑफर एक्सेप्ट करो। ऐसे थोड़ी हो सकते हैं भाई। नहीं, आई विल लेट यू ऑफर लेने के लिए भी सुन रहे हैं। वेल डन मिनी सर, वेल डन। आफ्टर एक्सेप्टिंग माय ऑफर आई विल स्टैंड देयर एंड आंसर हिज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा ऑफर जो आपने मांगा है 10 लाख 1%। टोटल कितना रेज करना है? 1.5 crore जितना रेज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो फॉर मास मैन्युफैक्चर। आप आगे सोच रहे हैं क्या करोगे, आप आज क्यों नहीं सॉल्व करते अपनी प्रॉब्लम? मैं आपको देता हूँ 1 crore रुपए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म फॉर 5% ऑफ योर कंपनी। भाई 5% व्हाई यू वांट टू डाइल्यूट विद हिम? आई विल रिवाइज माय ऑफर 25 lakhs 1%, and I'll help you in electronic manufacturing a lot. Hitarth, I match that. I also match that offer as an option, and the other option is 50 lakh 5%. Drop your original. That you don't need to dilute. एक बार मेरे को एक सिर्फ कॉल करना है। हाँ जाओ। पहली बार हुआ है कि हमने valuations डबल करनी शुरू करी है, लाइक 10 crore से। डबल क्यों करते हो यार आप लोग? इससे शुरू किया, इससे शुरू बढ़ाना यार, व्हाई यू डबलिंग वैल्यूएशन? वो भी नमिता कर रही है। आपने ये नया गेम शुरू करा है, आपने 10% का 20% किया ना आज, 20% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ। तुम इतना गुस्सा मत हो हितार, भूल तो नहीं तारी वैल्यूएशन कौन है वधारी? मैं पहला वधारी भाई, ये सब गड़बड़ किया उसने, 10-20 मैं करी छे। थैंक यू सो मच नमिता फॉर दैट। चल जल्दी कॉल। अमन, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ईमेल। वैल्यूएशन बढ़ाई यार और कुछ नहीं। आई कैन नॉट बिलीव दिस। Good job. अमन फैन क्लब। मैंने तेरी वैल्यूएशन डबल कर दी और तूने उसको पिक किया। Good job. अच्छी खासी डील आई थी, ये शार्क्स ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और तुमको 1 crore रुपया मिल रहा था। क्या लेके आ रहे हो यार? वो कभी जिम के अंदर ही नहीं गया है। क्या कर रहे हो यार तुम? आज से हम भी जिम जाएंगे। चलो सी यू, मैं बाहर छोड़ आता हूँ वरना ही आते रहेंगे। चलो मैं सिर्फ ले लूँ प्रोडक्ट्स? हाँ प्रोडक्ट ले जाते हैं। I would love to help you anyway. Thank you. All the best. Good job, guys. Thank you.